यार लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अंदर लेते कुछ गिरा दे। ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है नाइट के 10:15 एंड अभी हम निकले हैं एक शूट करने के लिए। मैंने अभी 15-20 मिनट पहले एक वीडियो एंड किया एंड अभी एक वीडियो चालू कर दिया क्योंकि अभी मेरे को नाइट में कंटेंट शूट करना है। ऐसी बहुत सारी जगह होती है ना नाइट में ही जाना बनता है क्योंकि लाइटनिंग वगैरह होता है, सारी चीज़ें होती है, तो दिन में नहीं बता सकते वो सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैंने नाइट का वेट किया एंड मैंने वो चीज़ नाइट में चालू की है। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड एपिडन जेम्स के एपिसोड 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने जो हमारा टारगेट है उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं हम एंड गणपति ख़त्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में गणपति ख़त्म भी हो जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं हम गणपति कवर करने के लिए हिडन जेम्स मतलब मुलुंड में जो बहुत बेस्ट गणपति जिनके लाइटिंग वगैरह जिनकी मूर्तियाँ वगैरह जो एकदम आला होती है वो कवर करने के लिए। तो हम चल रहे हैं, मेरे साथ 2-3 जन और चल रहे हैं जिनको एरिया का पता है, यहाँ का बहुत सारी जगह, तो उनके साथ चल रहे हैं एंड हम भी चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। चलो ओके सो गाइस देखते हैं आज कहाँ का गणपति कवर करेंगे। आज भी हमारे एरिया का सीधा वाला जो रोड है यहीं का कवर करेंगे और ऐसा लग रहा है कहीं का गणपति विसर्जन भी हो रहा है आज। अब पता नहीं कहाँ का हो रहा है, क्या है क्या नहीं, वो तो वहाँ जाके आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल तो देखते हैं अभी कहाँ का गणपति देखते हैं एंड बताते हैं आपको। सो गाइस अभी 2-3 जगह का देख लिए हैं, अभी और एक जगह जा रहे हैं। 10 मिनट वॉकिंग एक साइड है, 10 मिनट वॉकिंग दूसरी साइड, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ हो जाता है, क्या बोलते डंपिंग रोड पड़ गया हूँ, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी देखने के लिए। तो अभी वहाँ पे देखते हैं मूर्ति, इसने मुझे फोटो में दिखाई मूर्ति तो बहुत प्यारी लग रही, बोलती 19 फुट की मूर्ति है, तो देख के आते हैं अगर हो सके वहाँ तक जाने के लिए, पॉसिबल हुआ तो देखते हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11 बज गए, तो देखते हैं अगर हुआ पॉसिबल तो जाके आते हैं वहाँ पे। गाइस हम डंपिंग रोड तो नहीं जा रहे क्योंकि डंपिंग रोड यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता, तो डंपिंग रोड नहीं जा रहे हम, यहाँ से सीधा जा रहे हैं ओम ग्रुप। अभी ओम ग्रुप में जा रहे हैं, ओम ग्रुप में मेरा एक फ्रेंड है उसकी थोड़ी पहचान है ओम ग्रुप में, हालांकि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है
बट हमारी पहचान है तो हम सीधा अंदर घुसेंगे। तो सिस्टम है भाई, सिस्टम है। तो ऑलमोस्ट हम लोग थोड़ा नज़दीक पहुँच ही गए मेरे ख्याल से। वो लाइट लगा है, लाइट लग रहा है, झमझम झमझम कर रहा है, वही है ओम ग्रुप का। बहुत सारे गणपति के दर्शन करके हम आ गए हैं, अभी जा रहे सीधा ओम ग्रुप, एंड इसके बाद जाना है हमको मंडप में। मंडप में थोड़ा सा कुछ एकदम डाइजी सा प्लान चल रहा है एक, वो क्या प्लान है वो आपको बातें बताऊंगा, जब फिक्स होगा नहीं होगा तब बताएंगे, क्योंकि अभी भी मैं भी अभी भी चक्कर में हूँ उसको लेके, एंड ये भी चक्कर में है। तो जो भी अगर फिक्स होगा तो आपको बताएंगे, बट अभी मैं कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं देना चाहता, तो जो भी है आपको बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं ओम ग्रुप का करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। दर्शन आपको करा दिया, हमने भी कर लिया। यहाँ पे हमेशा गर्दी होती है भाई, यहाँ पे तो जब आओ तब गर्दी होती है यहाँ पे। तो खैर कोई बात नहीं, ओम ग्रुप का भी हो गया है, एंड हमारे यहाँ का जितना भी था, जितने पूरे लाइन का जितना भी था, उसमें से खाली एक आधा दो बचा है खाली, बाकी सब तो हो ही ऑलमोस्ट कवर। तो जा रहे हम सीधा अपने मंडप में, एंड देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। टाइम हो रहा है 11:30, तो चलते हैं अपने मंडप में, देखते हैं अपने मंडप भी देखना है ना भाई। ओके सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 12:45, एंड मैं अभी मंडप के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा मंडप में नाइट है। पूरी नाइट हमको मंडप में रुकना है। बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं। अभी मुझे मंडप से फ़ोन आ रहा है लोगों का कि आया नहीं तो, आया नहीं आया नहीं तो। चार्जर वार्जर मैंने अपना सब ले लिया है, थोड़ा चार्ज भी कर लिया है फ़ोन। मिलते हैं बाकी आपसे मंडप में। चलो ओके सो गाइज, आज हमारी नाइट है, एंड अभी टाइम हो रहा है 2:00, एंड हम 3 जन हैं आज नाइट में, मैं, सफीक और सूर्या। तो सूर्या और सफीक का क्या स्टेटस है मैं बताता हूँ आपको। सूर्या यहाँ बैठा है अपना फ़ोन चला रहा है, और सफीक मेरे ख्याल से सो गया है, मुझे पता नहीं शायद सो गया वो। ये रहा, अरे जग रहा है, मुझे लगा सो गया है लड़का। हम लोग तकरीबन 12 से हैं यहाँ पे, तो अभी देखते हैं कब तक जगे रहते हैं। एक्चुअली रहना हमको सुबह 6-7 तक जगा रहना है। कितने बजे किसका डंडा गुल होता है, तो वो करते हैं कि पहला डंडा किसका गिरता है, मेरा, सफीक का कि सूर्या का, और फिर दूसरा किसका आता है, दूसरा किसका। हाँ ना, बोल दिया अभी किसका मैं। तो गाइस हमारा सिस्टम देखो, ये जो आपको दिख रहा है सर पे, ये गार्बेज, जिसमें हवा भर के हमने पिल्लो भर दिया है, पिल्लो भर दिया, बोलो पिल्लो बना दिया है। अब ये कब तक काम करेगा क्या पता, एटलीस्ट मुंडी तो टिक रही है, नहीं तो यहाँ पे हमने सर रखा था भाई, ऐसा लग रहा था सर पे, ऐसा लग रहा था पत्थर पे सो रहे। अभी एटलीस्ट थोड़ा सा ठीक है ना, मैं तो बॉटल पे सोया था, ये बॉटल पे सोया था। अभी यहाँ पे अपन सोच नहीं रहे, एटलीस्ट थोड़ा सा लेटे हैं खाली, सो कौन रहा है, छोटे अध्यक्ष आ गए भाई, छोटे अध्यक्ष आ गए भाई। तो हम लोग खाली ऐसे लेटे हैं, सोए तो नहीं है, सोऊंगा तो नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी भाई, अभी क्या बोलूं। अभी ये लोग बोल रहे, अभी तो ये लोग बोल रहे थे हम बाहर जाके आते हैं, भाई लेके आते हैं। मैं बोला भाई अभी मत जाओ, थोड़ा टाइम रुको, थोड़ा टाइम बाद जाओ। अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो अभी मेरे ख्याल से कोई दुकान वगैरह भी नहीं खुली रहेगी। जादू देखो कि जादू देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, पूरा एकदम खाली है। अब सिस्टम देखना, ला सिस्टम। ओ सिस्टम यार, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अंदर लेते कुछ गिरा दे। ओके तो गाइस अभी टाइम हो रहा है प्रॉपर 3:00, एंड अभी सूर्या पटेली में, सूर्या वहाँ बैठा था वो वाले चेयर पे, पीछे वाले चेयर पे, तो पटेली में वहाँ से बाहर चला गया। बोलता है रुक जा मैं चाय वाय लेके आता हूँ। मैं बोला कि भाई जहाँ भी जा रहे हो साथ में जाओ। बोलता है अरे नहीं मैं तो अकेला चले जाऊँगा, ऐसा वैसा तैसा बोल के बाहर चला गया। बोलता है मैं तो रोज जाता हूँ, इन्हें ये न वो ने बड़ी बड़ी दे रहा था, और अभी चला गया। अभी वहाँ से फ़ोन कर रहा है कि भाई दोनों में से कोई एक जन आओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, आगे भी मेरे कुत्ते हैं पीछे भी कुत्ते हैं, मैं अटक गया हूँ। और अभी हम दोनों में से कोई जा नहीं रहा। ओके सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:30 के आसपास, एंड अभी ये दोनों गए हैं चाय लाने के लिए बाहर,
ये लोग बोलते हैं, मैंने मना किया इन लोगों को, बट ये लोग बोलते हैं कि हम जाते हैं, रोज़ जाते हैं हम लोग, ऐसा वैसा। तो बोला भाई जो भी है तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, बट जो भी है बता के जाओ। तो बोल रहे स्टेशन के पास ही गए, यहाँ पे पास में ही लेके आते हैं। तो मैंने बोला दोनों जन साथ में जाओ, अकेला कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला यहाँ बैठ जाऊँगा चलेगा, दोनों जन साथ में जाओ। तो दोनों जन साथ में गए, जो फिलहाल तो मैं अकेला बैठा हूँ मंडप में, गनू पापा के साथ, और गनू पापा वहाँ रहे। एंड हमको यहाँ पे तकरीबन 5:30-6:00 तक बैठना है, देन उसके बाद कोई आएगा कार्यकर्ता तब हम घर जा पाएंगे। एंड मुझे तो अभी ठंडी भी लग रही है और नींद भी आ रही है खतरनाक वाली। ओके सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 4:30। एंड अभी बस 2-5 मिनट के लिए हम लोग वैसे नॉर्मली वॉक करने के लिए निकले हैं। जी वहाँ बैठे बैठे ऐसी नींद आ रही थी, मैं क्या बोलूँ, मैं 2-5 मिनट फ़ोन में भी टाइम पास किया, फिर मैं बोला कि ठीक है चल एक छोटा सा वॉक ले जाते, छोटा सा वॉक करते हैं वहाँ जाना, जहाँ तक लाइटनिंग लग रही है ओम ग्रुप तक, वहाँ तक जाते हैं चल के वापस आते हैं। वॉचमैन अंकल वहाँ जग रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों ने बोला कि अंकल हम खाली 2 मिनट में आ रहे हैं, चलते हैं वापस मंडप में बैठेंगे। अभी तो 4:30 बज गए, मेरे ख्याल से 5 बजे तक, तो 5 बजे का उनने टाइम दिया था, बट मंडप वाले हैं भाई टाइम पे नहीं आएंगे। ठीक गाइस, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इस लड़के का, इसका और सूर्या का, दोनों का अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का स्कूल है, बट स्टिल इन लोग नाइट मार रहे हो भाई। इन लोगों का स्कूल में क्या हालत होगा मेरे को वो सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि इन लोगों ने कल भी नाइट मारी थी और आज भी लोग नाइट मार रहे हैं, तो उन्होंने क्या हालत होगा भाई स्कूल में। कल भी नाइट है, कल लास्ट डे है ना, तो कल भी पूरा दिन पूरा नाइट ही हमको बैठना ही है यहीं पर आगे। ओके तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के मेरे ख्याल से 5:30 एंड हमारा नाइट होता है यहाँ पे समाप्त। जो मंडल वाले थे वो आ गए हैं, अभी सारा कुछ उनको हैंड ओवर, अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे। मैं जा रहा हूँ पहले दक्ष को छोड़ूंगा, वो भालू तो भाग ही गया, वो तो भाग ही गया वो। अरे हाँ दक्ष, सफीक, सॉरी दक्ष क्यों बोल रहा हूँ मैं भी नींद में हूँ ना। तो गाइस चलते हैं, सफीक को अपने घर पे छोड़ते हैं, उसके घर पे छोड़ते हैं, सफीक को घर छोड़ के हम भी घर जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। पहुँचेगा आऊँ, बाय बाय, चल चलो, चलो बाय, टेक केयर। तो गाइस हम भी जाते हैं अभी घर पे एंड रेस्ट करते हैं थोड़ा, चलो। ओके तो गाइस अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6 बज गए, तो अभी थोड़ा टाइम मैं सोता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा सवेरे। मॉर्निंग में तो लेट ही उठूँगा, अभी सुबह 6 बजे सोऊँगा तो आप सोच लो फिर कब उठूँगा मैं, तो मॉर्निंग में लेट ही उठूँगा और उसके बाद कभी मिलेंगे आपसे, अभी के लिए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी टाइम हो रहा है गाइज शाम के 5 बज रहे हैं एंड सारे काम जो है वो हो गया, मैं उठ गया था, मैं रात को आपने देखा रहेगा, कल रात को मैं काफी लेट सोया था, मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास कहीं उठ गया था मैं। एंड मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर लूँ, क्योंकि एक और ब्लॉग स्टार्ट करना है, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू चल रहा है, कब ब्लॉग चालू हो रहा है कब एंड हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कब चालू हो रहा है, रात को 12-1 बजे चालू हो रहा है, 5 बजे एंड हो रहा है, 5 बजे नया ब्लॉग चालू हो रहा है, 12 बजे तक एंड हो रहा है, तो बहुत सारा थोड़ा सा टंडा चल रहा है गणेश चतुर्थी की वजह से, उस वजह से तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेना, जल्दी ही इसको लाइफ पे लेके आएंगे। अभी फिलहाल के तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो चला, वीडियो चला वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय। अभी तो खाली।